देखो भैया ने तीन कलर बताए हैं, अब कलर में कंफ्यूजन हो रही है। ये ग्रीन है, हाँ ठीक है, और ये वाला वाइट है। मेरे को वाइट अच्छा लग रहा है। आज दो दिन के बाद मैं घर आई हूँ। मैं प्रेरणा के घर थी क्योंकि उसका, आपको पता है, बेबी हुआ है तो उसके पास भी रहना जरूरी है। तो आके मैं क्या देखती हूँ कि दो दिन से कामवली भी नहीं आई। ये देखो, तो ऐसे घर पूरा बिखरा पड़ा है, ये इधर यहाँ कपड़े पड़े हैं। और मेरे पति देव ने तो अभी तक रोटी नहीं खाई थी, अभी उनको आके रोटी खिलाई है मैंने। और मैं अब पहले बर्तन साफ करूँगी, सफाई करूँगी और फिर कपड़े चेंज करूँगी। मतलब आप समझ सकते हो ना कि लेडीज़ की कितनी जिम्मेवारी होती है। सारा काम करने के बाद ना अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा के आई हूँ और छत पे आई क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, इतना बढ़िया मौसम। और अभिषेक देखो पालमपुर गया हुआ है हिल स्टेशन। क्या जरूरत है हिल स्टेशन जाने की, दिल्ली में हिल स्टेशन बना हुआ है। ऑलराइट, सो अभी क्या है कि मैं ना दो तीन हफ्ते, एक्चुअली दो तीन महीने से अपने घर वालों को बोल रहा हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो सही नहीं चल रहा है, मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे को नया फ़ोन चाहिए। और ये मेरे को नया फ़ोन लेके दे नहीं रहे हैं। तो आज मम्मी ने बोला है कि वो मेरे को नया फ़ोन लेके दे रही है। बोला है ना मम्मी? हाँ हाँ हाँ, बोला है 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 यस यस यस। तो पापा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे काहे की दिक्कत भैया, लाओ फिर पैसे। शक्ल तेरा है ना, ले ले। मेरा कहाँ है आईफोन 14? ये तो मम्मी का है। लाया तो तू ही था। तो लाया मैं था तो मम्मी को दे दिया था ना, तो तू रख ले। नहीं, मेरे को एंड्रॉइड चाहिए। पहले अपने डायलॉग तो बोल लो, उठा है माँ का लाल। कुछ कर दिखाएगा। हाँ? मुती मुती करेगा और वीडियो कैमरा लेगा और सो जाएगा। कुछ बात में सेंस ही नहीं बने। कैमरा लेगा, कौन सा कैमरा लाओ फिर? मोबाइल के लिए पैसा तो लाओ, पैसा लगता है, फ्री का नहीं आता है। अब पापा ने कहावत मारी है तो एक मैं भी कहावत मार देता हूँ भाई साहब, जितना मर्जी आ जाए किसी के पास जो नहीं, कंफ्यूज हो गया। अरे वो कौन सी लाइन थी? हाँ, इनको सोने का कटोरा भी दोगे तो भी इन्होंने भीख मांगनी है। नहीं, ये भी नहीं बना। अरे वो कौन सा है? हाँ, अब याद आ गया, वो एक कोयले को किसी भी साबुन से घिस लो, सर्फ से, रिन से, निर्मा से, तो वो कोयला ही रहना है। हाँ, तो इसमें क्या सेंस बनी? इसमें भी कोई सेंस नहीं है। अरे तो भाड़ में जाए, मैं कोई शायर हूँ? पापा पैसा दे दो, बता रहा हूँ। मैं काम कर रही थी और नीचे गए ऐसे जवान बन के आ गए, कह रहे कटिंग करवा के आता हूँ और साथ साथ हेयर कलर भी करवा लिया है। मैं तो कलरिंग कराता ही नहीं, तू कराते है कलरिंग? आई एम यंग बॉय। और आते ही मेरे को कह रहे चाय पिला दे। मैंने कहा भाई अभी आपको खाना खिला के नीचे भेजा था मैंने, फिर कह रहे हैं चाय पिला दे क्योंकि मौसम का तकाजा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलो ना फिर घूमने चलते हैं। चल रहे हैं। कहाँ? कल सुबह। मेरे को कहते हैं यार मौसम बहुत वधिया हो रहा है, मैं ना नीचे जाके बाल ही कटवाना, घर बैठ के की करना है। मतलब मैंने सोचा कहीं कहेंगे कि चल घूमने चलते हैं, कह रहे मैं बाल ही कटवाता हूँ, घर बैठ के क्या करना है। ये अभिषेक की निकल पहनी हुई है इन्होंने, यार कह रहे वाह सेक्सी। तो लाउड स्पीकर लेके बता दे कि अभिषेक की निकल पहनी हुई है। रेडी हो गया वो भाई, ये लो कुछ मीठा हो जाए। हाँ, शुभ काम। अच्छे काम से पहले अलन साहब से पैसा निकलवाने में बहुत मेहनत लगी, बट चलो। मतलब आप बड़े क्यूट लग रहे हो मम्मी। मेरे को प्यारा सूट, मेरे को घुमाने लेके जा रहा था तो नया सिलवाया सूट मैंने, कहा चलो मौका मिल रहा है पहनने। ये वो होता है जापानीज किमोनो टाइप, ऐसा सा लग रहा है सही में। पंजाबी सूट है देख, वो भी कह रहे हैं जापानीज लग रही है। क्या कह रहे हो पापा? आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है, तो अभी हम नीचे उतरे ना तो हल्की हल्की बारिश थी। निश्चय ने बोला कि आप यही वेट करो क्योंकि गाड़ी पार्क में लगी है, वहां तक तो आप भीग जाओगे। तो वो गाड़ी लेने गया है और ये आ गया। चलिए मैडम आ जाइए, टैक्सी आ रही है।
नोनू हम तो बहुत जल्दी नहीं पहुंच गए, घर से निकले और पहुंच गए। पहुंच गए हाँ। मैं शुरू होते ही खत्म हो गया। मैं कह रही मैं इतना तैयार व्यार होके आई हूँ कि कहीं शायद मेरे को तू लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा। कोई नहीं, फोन ले लेते हैं फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे, देखो बारिश में गीला भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसको, है फोन लेने की इतनी जल्दी है, नो बारिश नो कुछ। भैया भी बोलेंगे मेरे फेवरेट ग्राहक आ गए। वो देख भी रहे हैं। S23 Ultra। मैं कह ही रही थी ना उसने पहचान लिया मेरे को। मास्क उतारते ही मास्क में ही पहचान। हाँ वो तो एंटर करते ही तो स्कूल बॉय लग रहा है ये तो। स्कूल से क्या आ गया? क्या लेने आया? अच्छा मैंने सोचा ये भी फोन लेने आया। तुझे भी फोन चाहिए? कौन सी क्लास में? फिफ्थ में। फोन तो नहीं है ना तेरे पास? तेरे पास तेरा खुद का फोन है? एक और फोन ले चुका पहले, अब वो मेरे छोटे वाले भाई का हो गया है, मेरे पास खुद का है। ये तो तेरा यूट्यूब चैनल भी है ना? नहीं है। कोई बना लिया पांचवी क्लास का लड़का इसके पास फोन है? पांचवी पहले एक था, अब एक और ले रहा है। मैंने बोला था ना इनको फिफ्थ क्लास में मेरे को फोन ले दो। आउट। ट्वेल्थ में मिला था शायद। हाँ ट्वेल्थ में फोन लेके दिया। आ गया फोन? आ नहीं है तो डिस्प्ले वाला है। अच्छा देखो फोन तो देखो एक बार। हाँ ये वाओ पेन भी है सर। तू पेन यूज करेगा शो ऑफ के लिए तो करेगा। अच्छा ये इसलिए ले रहा है क्योंकि इसके साथ पेन है। Exactly. वो पेन के साथ वो ड्राइंग मस्त होती है ना। देखो भैया ने तीन कलर बताए हैं, अब कलर में कंफ्यूजन हो रही है। ये ग्रीन है। हाँ ठीक है। और ये वाला वाइट है। मेरे को वाइट अच्छा लग रहा है। मम्मी के कहने पे वाइट कलर ले रहा हूँ मैं क्योंकि मैं लेके दे रही हूँ ना। हाँ सिर्फ आपके कहने पे आ गया वाइट कलर। हाँ ऐसे ही पहले अनबॉक्सिंग कर लो फिर मना कर दो लेने से, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं हम लेने आए हैं, हम मना नहीं करेंगे। वैसे हम इस शॉप पे लाइक सारे फोन यहीं से लेके जाते हैं। हम रेगुलर कस्टमर है ना, वो आईफोन ज्यादा लेते हैं। ये देखो आईफोन अभी कब लिया था हमने? ये आईफोन भी जब नया आया था तभी तो लिया था। हर साल एक आईफोन और हर दूसरे महीने ये इस दुकान की सबसे पॉपुलर ग्राहक है। मम्मी बिलिंग करवाते हुए। वैसे मम्मी इसका S23 का और आईफोन 14 प्रो मैक्स सेम प्राइस है। मैंने तो तेरे को यही बोला है कि अभी भी सोच ले। अभी भी सोच लूँ? हाँ 14 प्रो मैक्स ले लो, वो तेरी इच्छा है। नहीं अभी मैंने ना सोच लिया, आई एम सैमसंग फैन बॉय। अरे इसमें पेन है ना साथ में? आईफोन में पेन नहीं है ना, मेरे को पेन नहीं यूज करना है। आईफोन वालों पेन डाल लो। हाँ आईफोन वालों अगर तुम चाहते हो कि मैं खरीदूँ आईफोन तो उसमें भी पेन डाल लो। ऑफेंड हो जाएंगे एप्पल वाले। अनबॉक्सिंग टाइम। देखा कितना सुंदर लग रहा है। वाओ सबसे मेन चीज है पेन। पेन सबसे इम्पोर्टेंट। पेन इम्पोर्टेंट है उसी के लिए है। अब तेरे को स्कूल वाली फील आएगी। अरे सही है पता है, यूं रख के ऐसा ए से एप्पल। चलो कुछ डिफरेंट हुआ, कपड़े भी ब्लैक, हर बार फोन ब्लैक, इस बार वाइट। वाइट फोन वाइट सिर्फ आपके कहने। पहले ये वाइट फोन नहीं ले रहा था, अब कवर भी वाइट लगवाया है। भाई ये कंपनी वाला कवर है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, यहीं पे नोटिफिकेशन मेन्यू भी है। बारिश हो रही है देख ले, अभी नया ही लिया है। बारिश मेरे लिए थोड़ी ना हो रही है, आपके लिए भी हो रही है। आपका भी फोन गीला हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ है, इसको कुछ नहीं होता। ये भी वाटरप्रूफ है।
शायद होपफुली पर ये तो श्योर शॉट है ना, फोन वाटरप्रूफ है। आईफोन वाले लोग ज्यादा फ्लेक्स ना करिए, बैठिए। खुश हो अब? मैं तो खुश हूँ, आप बताओ। मैं तो खुश हूँ। मैं तो ऐसा इंसान हूँ जो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज होगी। अभी नया फोन लेके निकला ही है और दूसरे फोन की डिमांड फैल रही है। मैंने बस ये बोला कि आईफोन 14 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 लूंगा सीधा। ये थोड़ी ना बोला कि अभी लेकर दो नया फोन मेरे को। अच्छा ये बताओ, सामने देखो बारिश हो रही है, अब इस सुहाने मौसम में आप कहाँ घूमना चाहोगे? जहाँ आप घुमाओगे। पहले तो खिड़की खोलो, देखो शोर आएगा लेकिन मजा आएगा। और अब बताओ, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे, कहीं खाने वाने जाना चाहोगे? खाना तो मेरे को पता है आपने खाना नहीं है क्योंकि खा के आए हो घर से, तो वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चल लेते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, क्या खाएंगे? वो कहता ना आइसक्रीम, आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम वाला मौसम नहीं है वैसे। क्यों नहीं है? बीमार हो जाएंगे हम। आइसक्रीम ही खाएंगे अब तो। चलो 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 आइसक्रीम खाते हैं। इंडिया गेट की आइसक्रीम खा के आएंगे। ओ इंडिया गेट चलते हैं। अच्छा चलो निक्की और पूछ। इतनी ओवर एक्टिंग मत किया करो मम्मी, मत करा करो। चलो निक्की और पूछ। वो तो तुझे भी पता है मुझे अच्छा लगता है ना घूमना, तो फिर और क्या बोलूं कि नहीं। अच्छा ठीक है भाई, दो मैग्नम दे दो भैया, दो आइसक्रीम वाला देखा और आइसक्रीम का ऑर्डर कर दिया। हम तो इंडिया गेट जाने वाले थे। ये कौन सी जगह है? इंडिया। ये इंडिया है। और वो देखो, कहीं हर किसी भी बिल्डिंग के दरवाजे को देख के गेट, तो हर जगह इंडिया गेट ही है। लेम जोक 101। ये पापा वाला जोक था, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने गूगल मैप पे चेक करा तो इंडिया गेट जो आधे घंटे का रास्ता होना चाहिए था वो एक घंटे का दिखा रहा है। तो मैंने सोचा एक घंटा जाने में और वापस आने में भी उतना ही लग जाएगा, तो खानी तो आइसक्रीम तो खानी आइसक्रीम ही है, तो भाई यहाँ से ले लो। भैया कितने पैसे? 200। तूने खिलानी थी, दे पैसे। अरे तो मेरे कैशियर तो आपको, आपके पास पड़े हैं, मैं कहाँ से दूँ। चॉकलेट है। चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट के अंदर वनीला है। ये लो भैया ले आए। थैंक यू भैया, वेलकम। खाओ ना आइसक्रीम, खा के बताओ कैसी है। ये बेस्ट आइसक्रीम है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी चॉइस है नहीं बढ़िया एक्चुअली में, इससे ऊपर की आइसक्रीम कोई बनी ही नहीं आज तक। हाँ बाय भैया। तुझे कैसे लगी है? मेरी तो फेवरेट आइसक्रीम है। हाँ वही तो, मैंने कहा तू नहीं तो बोला था ये खानी तो है, फेवरेट तो है। और गाइस अब हम इंडिया गेट से आइसक्रीम खाने के बाद वापस घर की तरफ जा रहे हैं, अपने घर के गेट के पास जा रहे हैं, है ना। इससे पता फायदा क्या हुआ मम्मी, वो ज्यादा टाइम बच गया। अब आप घर जाके डिम्पल्स किचन पे काम कर सकते हो, गार्डनिंग कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात मिस्टर मलहान को चाय दे पाओगे। सही बात, क्योंकि उनका वक्त हो गया है, वेट कर रहे होंगे चाय की। गुरजी खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, हमेशा ही खुश रहती हूँ। वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश है, हमेशा खुश रहने वाले लोग। मैं तो आप पे ही गया हूँ, मैं भी हमेशा खुश रहता हूँ। इंडिया गेट से बहुत जल्दी वापस आ गए वैसे हम। Shortest trip to India gate ever. हाँ जी, आप ऐसे घूम रहे हो, चाय का टाइम हो गया। और क्या? हाँ। महमलन साहब। आज जापानी क्या लग रही है? जापानी गुड़िया। जापानी गुड़िया। जापानीज की मोनो। तुझे खुश हो जाओ। महमलन साहब ये देखिए, नया फोन। कैसा है? इसमें क्वालिटी ये बताओ मुझे कोई। इसमें ये देखो। पेन है, ये तो चार आने का पेन है, ये तो वो है नंबर डाल करने के लिए, एस पेन कहते हैं। अरे चार आने का इसी के पैसे हैं इसलिए। उसने लिया इसीलिए कि उसमें पेन है, अब उसने दोबारा से पढ़ाई करनी है। फोटो देखो इसमें कैसी आ रही है, ये देखो अपनी दिखाओ। आओ तो सही यार, फोन तो बड़ा प्यारा है यार। थैंक्स सैमसंग, कवर ज्यादा सेक्सी है ना। अभी पता कितने का कवर है? 5000।
इसका नाम क्या है? गब्बर सिंह। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, सैमसंग गब्बर सिंह। सैमसंग गब्बर सिंह, ठीक है जी। बहुत पीस तो बहुत प्यारा है ना, ये कवर ज्यादा सुंदर है, टच फील बहुत अच्छी है, क्योंकि कवर अलग सा ही है कुछ। बहुत सुंदर कवर है। मेरा फोन बज गया लग रहा है, जाइए फिर उठाइए सर। मैं रिकॉर्ड करूं और तुम्हारा फोन ना बज जाए, ऐसा हो सकता है?